नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को ना संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। और जिस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है ना, उस चैप्टर से चार चार को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि चार को प्रथम पाली में और चार को द्वितीय पाली में। और मात्र दोस्तों 16 को क्वेश्चन है इसमें, तो 16 को में से दोस्तों चार को प्रथम पाली में, चार को द्वितीय पाली में। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए पूछा ना 23 के द्वितीय में, ये भी 23 के द्वितीय में पूछा ना। अभी नीचे और देख लीजिए, ये हमारा 23 के प्रथम पूछा ना, तो इस चैप्टर से चार चार को पूछता है, तो 8 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अच्छे आप लोग देख लीजिए, तो ये आपका पार्ट है कर्ण से दान बीटा पार्ट, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कर्ण से दान बीटा पार्ट किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपका पहला का आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कर्णभार रूपक से मतलब ना संकलित है, आंसर हो जाएगा पहला का ए नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कर्ण से दान बीटा पार्ट कुत संकलित है, तो आपका दूसरा का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्णभार, कर्णभार जिसको महाभारत महाभारतात बोलते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा का बी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कर्णबीन कौन था, दानवीर कौन था दोस्तों, दानवीर कौन था, तो दानवीर वही था दोस्तों, कौन कर्ण कौन था, तो दानवीर था, याद रखना। अब यह क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये 22 और 23 दोनों के द्वितीय पाली में ही पूछा है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या दान देना चाहा, तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारों गाय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गाय, हजारों गाय सबसे पहले वो दान में देने की कोशिश किया था। पांच नंबर क्वेश्चन है महतराम भिक्षा याचे या किसकी युक्ति है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया ना, पांच का आंसर आपका मिल जाएगा श्रीनिवास चक्र की। यही सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, या फिर बाकी का अगला पेपर के लिए संबंधित, मतलब VBI ऑब्जेक्टिव VBI सब्जेक्टिव के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो 9299244 5907, लास्ट में 99, ठीक है। तो इसको वीडियो को देखने के बाद ना इस नंबर को सेव कर लेना, सेव करके व्हाट्सएप पर SMS बस कर देना हाय हेलो लिखकर, मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा। जैसे आप हाय लिखकर भेजेंगे ना, तो हम आपको लिंक भेज देंगे और आप ज्वाइन कर लेना हमारा ग्रुप, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, ये दोस्तों प्रथम पाली में पूछा है कि कर्ण से दान वीरता पाठ में न दापम किसकी युक्ति है, तो छ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सीनवर शल्य की, सी नंबर होगा। ब्राह्मण के वेश में कौन ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है दोस्तों, आपका सात का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक्र। अगला क्वेश्चन कौन किस देश का राजा था, अंग देश का राजा था, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आठ का सी नंबर मिल जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, इंद्र आए थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल ले लिया था ना, क्या ले लिया था, कवच और कुंडल उन्होंने छल से मतलब लिया था, क्योंकि जो कर्ण था ना उसके शरीर पर जन्म जात ही कवच और कुंडल था, कवच और कुंडल जब तक कोई हटा नहीं देता उसके शरीर से तब तक उसकी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता था। 11 नंबर है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष जाता है दोस्तों, इंद्र तो साधु के रूप में या फिर दोस्तों ब्राह्मण के रूप में, तो आपको याद करना है वो ब्राह्मण के रूप में जाता है। भवंत महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है दोस्तों, तो 12 का आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, 12 का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। कर्ण का है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था, वो चौथी बार दान में क्या देना चाहता था, तो सोना। अगला क्वेश्चन निछामि किसने बार बार कहा था, तो 14 का दोस्तों आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर, शक्र ने कहा था, किसने कहा था दोस्तों, शक्र ने कहा था, अब इसे याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका है, अगला क्वेश्चन है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमा अर्जुन की सहायता के लिए। और कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, ये देखो कितना बार पूछा गया, ये 18 में 21 में 22 में 23 में हर बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, तो 16 का जवाब आंसर होगा आपका सीनवर महर्षि महाकवि भास जी हो जाएंगे, ठीक है इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन है अंडराज किसे कहा गया, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ण को कहा गया। शक्र किसका नाम है, तो इंद्र का ऑप्शन नंबर आपका भी होगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कर्ण से दान वीरता पाठ में ददातु किसका कथन है, तो 9 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर शक्र। अगला क्वेश्चन कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता है, तो कौरवों के पक्ष से लड़ता है ना, कर्ण कौरवों के पक्ष इसलिए वो युद्ध लड़ता है, कर्ण जो था ना वो कुंती पुत्र था, ठीक है ना, याद रखना, और कौरवों के पक्ष वो लड़ाई लड़ा था। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ण पद का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, हाथी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, इसमें से चार चार दोस्तों पूछ देगा, ये VBI मैंने बताया, अगर नहीं पूछेगा मेरा नाम आकर बदल देना, ठीक है ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन 3 को तो कन्फर्म है पूछेगा, क्योंकि चार चार को पूछा है, देख लीजिए आपको गिनवा देते हैं, ये देखिए 23 के द्वितीय में पूछा इनके ए को, ठीक है,
केवल 23 के द्वितीय में गिना रहा हूँ। ये 23 के द्वितीय में पूछा कौ को होगा, आपका दो को हो गया, दो को और दो को हो गया, केवल द्वितीय पाली में मैं गिनवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए 23 के यहाँ पर यहाँ इस पर पूछा है ना द्वितीय में, चार को हुआ क्वेश्चन, हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रथम पाली में देख लीजिए 23 के प्रथम पाली में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब प्रथम पाली में देख कहीं हो सकता है प्रथम पाली में कम पूछ ले हो, लेकिन ये द्वितीय पाली में दोस्तों पूछा है। प्रथम पाली में दोस्तों दो ही बार पूछा है दोस्तों, प्रथम पाली में ये तो दोस्तों एक भी बार नहीं पूछा है जी। प्रथम पाली में इधर से एक भी बार नहीं पूछा है ना जी। इधर पूछा है, पूछा है इधर एक बार पूछा है, ओके दो बार पूछा है, मैंने देखा था दो बार पूछा था, ठीक है ना। देखिए एक बार यहाँ पर भी पूछा है, यहाँ पर दो बार पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। बल्कि कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, मतलब शो नहीं कर रहा है, कभी कभी शो भी नहीं करता है। तो अच्छे से याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।